आमजीनगर हुडको में रविंद्र निकेतन द्वारा संचालित कालीबाड़ी मंदिर विवाद में बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार रविंद्र निकेतन समिति ने कालीबाड़ी मंदिर के आसपास वृक्षारोपण कर उसे जानवरों से सुरक्षित रखने हेतु सीमेंट का पोल लगाकर संरक्षित कर दिया ताकि मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण हो सके। रविंद्र निकेतन समिति द्वारा पौधों के जानवरों से बचाने लगाए गए सीमेंट पोल के खिलाफ कुछ स्थानीय नागरिकों ने कलेक्टर से अवैध कब्जा करने की शिकायत की थी। कलेक्टर के आदेश पर रविवार को मौके पर जांच के लिए पहुंचे एसडीएम एवं तहसीलदार की टीम ने दोनों पक्षों से बात की और पौधारोपण को बचाने लगाए गए सीमेंट पोल के घेरे को देखकर दोनों पक्षों को अपना अपना दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कही। लंबे समय से चल रहा हुडको आमदीनगर कालीबाड़ी परिसर का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रविवार को इस विवाद में एक नया मोड़ भी सामने आया। बताना चाहेंगे, आमदीनगर हुडको कालीबाड़ी परिसर में रविंद्र निकेतन संस्था विशेष बंगाली समाज द्वारा संचालित की जाती है। वर्ष में एक बार भव्य दुर्गोत्सव का भी आयोजन यहाँ पर समिति के द्वारा किया जाता है। आसपास के लोगों की प्रगाढ़ आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इसे देखते हुए परिसर को और सुसज्जित करने के लिए समिति द्वारा यहां पर पौधारोपण भी किया गया तथा इसे संरक्षित करने के लिए फेंसिंग लगाने का भी प्रयास किया गया। रविंद्र निकेतन संस्था के द्वारा फेंसिंग लगाने का विरोध यहां पर आसपास रहने वाले लोगों ने किया। रविवार को ये मामला गर्मा भी गया। तहसीलदार मैडम, आरआई मैडम और दुर्ग कलेक्ट्रेट से जांच के लिए आए दोनों अधिकारियों के बीच यहां पर दोनों पक्षों के बीच काफी गहमा गहमी का माहौल देखा गया। दोनों पक्षों को तहसीलदार मैडम ने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि दस्तावेजों के आधार पर दोनों पक्षों को न्याय दिया जाएगा। कालीबाड़ी मंदिर परिसर के लिए दो गुटों के बीच चल रहे विवाद में क्या मनमुटाव की स्थिति रही और दोनों पक्षों के लोगों ने क्या बोला, आप भी सुनिए। इस उक्त कालीबाड़ी मंदिर को लेकर ये कुछ व्यक्ति जो यहाँ के हैं बगल में देवेंद्र चंगेल और शंभू, इन लोगों ने कोर्ट में दिया था कि ये अवैध है। कोर्ट ने इसको अवैध को तोड़ने के लिए आदेश किया था हमारे यहाँ के तहसीलदार ने जी। उस तहसीलदार के आदेश को हमने चैलेंज किया कोर्ट में। कोर्ट ने हमको स्टे दिया कि नहीं तोड़ने का, इसमें अभी नहीं तोड़ना है, इस केस को चलने दो। उसके बाद इन्होंने कंटेम्प्ट टू कोर्ट लगाया कि हम लोग इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो कोर्ट ने उसके ऊपर में 19 जुलाई को एक आदेश पारित किया कि इस उक्त ज़मीन जो इन लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन लोग शादी ब्याह करते हैं या जो भी कुछ करते हैं, उसको गार्डन में कन्वर्ट कर दिया जाए। और गार्डन बनाने के लिए हमको जिम्मेदारी दिया कि पार्टी नंबर 2 जो है गार्डन बनाएगी और उसमें पेवर ब्लॉक लगा के मॉर्निंग में लोगों को घूमने के लिए करने के लिए और एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए एक कदम उठाने के लिए बोला गया। हमने नया न्यायालय के आदेश को पूर्ण करने के लिए अपना काम चालू किया। हमने पेड़ पौधे लगाए। अब पेड़ पौधे लगाने के बाद घेरना पड़ेगा, नहीं तो पूरे जानवर इसको खा जा रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं सब। तो उसके लिए हमने घेरा लगाने के लिए चालू किया। तो कोर्ट को इनकी वकील ने बोला क्या इन लोग बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। तो कोर्ट ने बोला बाउंड्री वॉल बनाएंगे लेकिन आपको गेट देंगे, और हम दो दो गेट दे रहे हैं, एक नहीं दो दो गेट दे रहे हैं, वो भी 15-15 फीट का गेट दे रहे हैं। उसके बाद भी इनको तकलीफ हो रही है, तो हम तो कोर्ट के आदेश को मानेंगे। इनको जो करना करें, हम कोर्ट से ही, जो कोर्ट बोलेगा हम वो करने को तैयार है। और इनके भी आप देखिए, इनके भी पूरे इंक्रोचमेंट टावर लगा, आप देखिए ये क्या एनवायरनमेंट से टावर देखो, क्या ये टावर लगा, क्या ये जो टावर इंटरनेट टावर लगा है ये आरएफ फ्रीक्वेंसी है क्या, ये पब्लिक को सेहत खराब नहीं होता है एनवायरनमेंट के हिसाब से, रेजिडेंशियल एरिया में क्या टावर लगा सकते हैं। इसकी शिकायत आपने की टावर वाली? देखिए हम लोग शिकायत किए हैं, कलेक्टर को भी किए हैं, सबको किए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। हम लोग कोर्ट में भी नहीं गए, जरूरत नहीं है। अब बाकी पब्लिक को प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका हम निराकरण में ये चाहते हैं कि आपस में बैठ जाए, उनको क्या है हमारा क्या है, दोनों मिलके एक सॉल्यूशन निकाल लें और ज़िंदगी भर के लिए फुर्सत हो जाए। इसके पहले भी दोनों गुट से, इसके पूर्व में जो तहसीलदार थी प्रेरणा सिंह, उन्होंने भी कोशिश किया, कलेक्टर ने भी कोशिश किया, लेकिन इन लोग तैयार नहीं। इवन कि थाने में एसपी साहब ने भी कोशिश किया दोनों पार्टी को बुला के। मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया है कि यहाँ पे फेंसिंग वगैरह करना है, पौधरोपण तो हो गया लेकिन फेंसिंग हो नहीं पाई, जिस कारण मवेशी भी जो है पौधे को खा रहे हैं। देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, पूरे मवेशी कैसे खा रहे हैं, तोड़ रहे हैं। आसपास रहने वाले लोगों ने यहां पर रविंद्र निकेतन संस्था पर आरोप लगाया है और कहा है यहां पर कमर्शियल एक्टिविटी बंद करें,
शादी वगैरह जैसे अन्य यहाँ पर पार्टी होती है, तेज आवाजों के साथ यहाँ पर शोर भी किए जाते हैं। के बाद में पूरा मल्टीपर्पज यूज हो रहा है, शादी ब्याह नाचा गम्मत सब इनका हो रहा है फुल साउंड में। और यहीं पर हमारे बच्चे महिलाएं सब रहती, रात के 9-10-11 बजे से दारू वारू सब चलता है और पूरी बोतलें हमारे घरों के पास पड़ी रहती। कई बार विरोध किया उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद इनका बढ़ता गया दायरा, अब ये बोलने लगे कि ग्राउंड को घेरेंगे करके। पहले भी कोशिश की, फिर हमने हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट जा कर के हमको अनुमति मिली उनको रोकने का और ये जो बिल्डिंग बना है इसको तोड़ने का, तो इन लोगों ने अपना एक्सेप्ट किया कि हम कार्यक्रम के बाद दुर्गा पूजा के बाद हम इसको हटा देंगे। लेकिन वो हटाने के बाद एफिडेविट में दिए ना, उसके बाद इन लोगों ने फेयर ब्लॉक लगा के टाइल्स लगा करके और पक्का कर। आज जो है ये जो अवैध कब्जा संडे को लगाए, ये जो पिल्लर और ये पेड़ पौधे दिख रहे 40 साल में, ये हाईकोर्ट को दिखाने के लिए है कि हमने वृक्षारोपण किया है करके, जो टोटली गलत है। इसीलिए तहसीलदार मैडम आई है, आर आई मैडम आई है, उन लोगों ने खुद इस चीज़ को देखा और इस चीज़ को महसूस किया कि हम मार्केट वाले पूरे के पूरे सही बोल रहे हैं, क्योंकि रातों रात सीमेंट का खंभा लगाए और आज ये लोग आए थे पूरा वायरिंग लगाने के लिए, आज जाली लगाते फेंसिंग का जाली। तो फिर हमारे मार्केट वाले पूरे घर के हैं, आना जाना रेजिडेंशियल है, देखिए सर ये पूरा बंद हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे बच्चों को खेलने की जगह, गेट की जरूरत ही नहीं है, पूरा खुला है, उनकी जरूरत ही नहीं है ना भाई, उनका जमीन थोड़ी है, वो कहेगा गेट लगाएंगे, वो जो गेट लगाएंगे अपने वहाँ तक के गेट लगा ले, कालीबाड़ी तक के जहाँ तक उनके फेयर ब्लॉक लगा हुआ है, इधर मत करो ना भाई। ये तो भिलाई स्टील प्लांट है, बच्चों के लिए खेलने का ग्राउंड और पर्यावरण की दृष्टि से मार्केट और घरों के लिए ये जो अच्छा वातावरण के लिए ओपन स्पेस है, ये जो प्लेस है ओपन है, ये नहीं सदा खुला रहे। एक्चुअली इनके पास, इनको हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि ये पूरी ज़मीन अवैध है, पूरी ज़मीन गिरानी है, और स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये ऑर्डर हो चुका है कि ये पूरी चीज़ों को हटाना है, रिमूव करना है। हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है, आप जब जाएंगे शेयर कर देंगे। आज जैसा आप पूछ रहे हैं कि चूँकि इनकी आदत है कि जब छुट्टी पड़ेगा ये एनक्रोचमेंट करेंगे, एनक्रोचमेंट करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो थोड़ी सी भी लापरवाही करता है, इसको हटाने के लिए हमको जाना पड़ता है कोर्ट। ऑलरेडी मैटर कोर्ट में है और हटाने का ऑर्डर आ चुका है। आज इन्होंने संडे का दिन देखकर, ये लास्ट संडे ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, फिर से ये जो ऑलरेडी अवैध ये इन्होंने कैप्चर किया लैंड को, उस पर लगा के जाली पूरे लैंड को कैप्चर करने का इनका प्लानिंग था। हम लोगों को फिजिकली आके उनको बल्क में रोकना पड़ा। दूसरा, ये लोग बेसिकली रविंद्र निकेतन सोसाइटी है, वो एज अ कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड है, बट इनका एक्चुअल काम भू माफिया है, ये भू माफिया है। और इनका इनकी सोच ही ऐसे है कि धर्म के नाम पे कुछ करेंगे, और चूंकि धर्म का एंगल में कोई भी आएगा नहीं, इमीडिएटली ये लैंड आपको ऑक्यूपाई कर लेंगे। जितनी लैंड आप देख रहे हैं ये पूरी धर्म के नाम पे ऑक्यूपाइड है, और ये उस पे कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं। आप अगर कैमरा घुमाएंगे आप देखेंगे बकायदा कोचिंग का एड लगा हुआ है, और ये मूर्तियों को बना के बेच रहे हैं इस वक्त भी, जबकि हाई कोर्ट का साफ ऑर्डर है कि जो कि एनक्रोचमेंट है, इलीगल है, तोड़ने का ऑर्डर आ चुका है, आप वहाँ पे कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे। कमर्शियल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो एक टावर लगा है, वो भी रिहायशी क्षेत्र में टावर। परमिशन है, परमिशन विल शो, यस। किसकी में लगा है वो टावर? विद परमिशन, परमिशन। आप जब बोलेंगे, जहाँ बोलेंगे, विल शो यू डॉक्यूमेंट। और जो बात हम बोल रहे हैं, हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंटेशनल एविडेंस है, ये देखिए, ये इयर्स का है। और ये अभी चीजें थी बस हल्की थी, अभी एक शायद 10 दिन हो रहा होगा, इन्होंने कलकत्ता गैंग रेप पीड़िता और जो भी गैंग रेप हुई है इंडिया में उनमें से 3 पीड़िता की जानकारी को यहाँ पे एग्जिबिशन लगा के एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया, जो कि एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। नाम अपना फोटो उसके साथ लगा के इन्होंने एक न्यूज़ चैनल को शेयर कर दिया है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 72, आप सब सुन लीजिए। भारतीय मैडम प्लीज़ को काटिएगा मत इस रीडिंग को जो मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ मत काटिएगा। भारतीय न्याय संहिता 72 के तहत वो 2 साल का अपराध इनके ऊपर होना चाहिए पंजीबद्ध, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। हमने TI कोतवाली को ऑलरेडी रिपोर्ट किया हुआ है, जिस ज़मीन को इन्होंने अब अपराध के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, सिर्फ अपनी इस इलीगल एनक्रोचमेंट को जस्टिफाई करने के लिए ये समाज सेवा काम कर रहे हैं। बता दें बीते 40 वर्ष पूर्व भिलाई BSP द्वारा मार्केट के सामने जगह पर्यावरण और सुरक्षा के लिए खाली रखी गई थी, साथ ही बच्चों के खेलने के मैदान के लिए भी इस जगह को सुरक्षित रखा गया था।
दोनों गुटों के बीच आपसी रजामंदी और बैठकर चर्चा करने की बातें उन्होंने कही है। देखना होगा आपसी रजामंदी और दोनों गुटों के बीच जो चर्चा का दौर चलेगा उसमें कैसे निर्णय लिए जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।